हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटी सूजी की मसाला पूरी। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चटपटी सूजी की मसाला पूरी बनाने की सामग्री है 1 कप बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में पीस कर सूजी को बारीक कर सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिया है, गुनगुना पानी, पूरी तलने के लिए तेल, नमक स्वाद के अनुसार, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, 1 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। अब हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हम सबसे पहले सूजी डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार और 2 चम्मच तेल। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और अब गुनगुना पानी लेंगे। जरूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। देखिए, हमने सख्त डो लगा लिया है और अब हम 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 10 मिनट बाद हम पूरी बनाएंगे। 10 मिनट हो गया है, डो अच्छे से सेट हो गया है और अब हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक बार मसल लेंगे। देखिए, हमने मसल लिया है और अब हम छोटी छोटी पूरी बनाने के लिए लोई बनाएंगे। एक लोई लेंगे, इसे हाथों पे रखेंगे और इस तरह से मसल कर एक पेड़ा बनाएंगे। और अब हमने पेड़ा बना लिया है और अब हम चकले पे रखेंगे और पूरी बेलेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरी बेलेंगे। पूरी को हमने बेल लिया है और अब हम तेल में डीप फ्राई करेंगे। पूरी तलने के लिए सबसे पहले हमने नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है और अब हम तेल को चेक करते हैं। तेल अच्छा गरम हो गया है और अब इसमें हम पूरी तलेंगे। देखिए, पूरी अच्छी फूल गई है और अब हम पलट लेंगे। पूरी अच्छी फ्राई हो गई है और अब हम पूरी को एक प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के पूरी को भी तलेंगे। सूजी की चटपटी मसाला पूरी बनकर तैयार है। इसे आप बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।